बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मेहर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि शुगर वाले लोग अफ्तारी में कौन सी ऐसी चीज लें जिससे उनकी शुगर भी ना बढ़े और उनकी बॉडी को नुकसान भी ना हो और अपने रोजे जो है वो पूरी रूटीन से रख सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। अगर आपको खुदा ना खासा शुगर है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है इंशाल्लाह। इससे आपको एक मैं डाइट प्लान दूंगा जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं इंशाल्लाह। इससे आपको काफी हद तक फायदा होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपनी डाइट को सादा रखना है। जितना हम अपनी डाइट को सादा रखेंगे उतनी ही हम शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे और उतने ही हम अपनी जो रोजे हैं प्रॉपर तरीके से रख सकेंगे। रमजान एक अल्लाह ताला की रहमत है। हमने ये नहीं इसमें करना कि सिर्फ हमने खाना ही है। हमने जैसे इफ्तारी होती तो हम अपने समोसे पकौड़े और जितनी भी चटपटी तली चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा मशरूब का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें। ऐसा हमने कुछ नहीं करना। सिंपल आपने अपनी खुराक को सादा रखना है। आपने जो प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से आपने चलना है और शुगर की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आपने अपने डॉक्टर से अब एक दफा कंसल्ट लाजमी कर लेनी है कि हम रमजान में इसकी डोज एडजस्टमेंट कैसे करें। ठीक है, अब इसके ऊपर सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने ऐसी डाइट प्लान लेनी है जिससे हमारा मैदा भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब हमारा मैदा डिस्टर्ब, जितनी भी हम तली चिकनाई वायवादी चीजें लेते हैं, समोसे पकौड़े लेते हैं, जिस ऑयल में वो फ्राई किए जाते हैं उस ऑयल में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो हमारे मैदे को खराब करते हैं, और खुसूसन वो लोग जिनको शुगर होती है, क्योंकि उनका मैदा ऑलरेडी ही पहले डिस्टर्ब होता है तो उसके डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से पहले नहीं कर पा रहा होता। इसलिए कोशिश करें सबसे पहले अपनी तली चिकनाई वायवादी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। अफ्तारी में आपने सिंपल 1 से 2 खजूर का अपने सुन्नत नबी आपने उसके साथ आपने अपना रोजा अफ्तार करना है। आपने लेमन पानी, उसमें आपने जो है तुक में लगा या चिया सीड ऐड कर सकते हैं जो फाइबर की कमी को आपको पूरा करेगा। उसमें मीठा आपने नहीं डालना। आपने लस्सी का इस्तेमाल करना है। लस्सी आपको जो है इंशाल्लाह उसे जो आपको प्रोबायोटिक के तौर पे आपको इफेक्ट देगी। आपने अफ्तारी के बाद आपने कोशिश करना है कि नमाज पढ़नी है। आपने फ्रूट ले लें, फ्रूट को काट लें, फ्रूट काट के उसमें थोड़ा सा आप उसमें लेमन पानी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा आपने उसमें जैसे आलू इमली की चटनी वगैरह है उसका आप ऐड कर सकते हैं एज ए टेस्टर के तौर पे। और आपने फ्रूट काट के आपने इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करना है कम से कम समोसे पकौड़े रोल कबाब शबाब इस तरह की चीजें आपने नहीं लेनी। आप ये फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें जो वेजिटेबल का आप सैलड बना के ले सकते हैं और आप अपनी नमाज पढ़ें। फिर बाद में नमाज पढ़ने के बाद आपने तरावियों से पहले आपने अपना डिनर करना है और डिनर में आपने कोशिश करना है कि 1 से 2 रोटी आपने लेनी है। सालन का इस्तेमाल करना। आप इसमें चेस्ट पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो प्रोटीन है वो आपको इनटेक हो सकती है। वो आपने बहुत ज्यादा ऑयल में नहीं आपने करना, आपने उसको जस्ट फ्राई कर सकते हैं। उसमें कभी कभार आप इसमें फिश भी ले सकते हैं आपको जो वीकनेस ना हो। आपने इसकी चीजों का इस्तेमाल करना है और आपने रात का जो आपने डिनर है वो आपने तरावियों से पहले ले लेना है। 2 रोटियों का इस्तेमाल करें और क्योंकि तरावियां पढ़ने से आपको जो खाना है वो अच्छी तरह हजम हो जाए। और आपने अफ्तारी से लेकर रात सोने तक आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 8 से 10 ग्लास लिक्विड किसी फॉर्म में भी आपने थोड़ा थोड़ा करके लेना है जिससे आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो सारा दिन की वो ना हो, आपको वीकनेस ना हो, आपको कमजोरी ना हो। और आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में आपने 1 चम्मच जो है शहद का डाल के या नीम गर्म दूध के साथ आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आपने ले लेना है। दो आपने अखरोट या बादाम आप ले सकते हैं जिससे आपको मसल वीकनेस ना हो। इंशाल्लाह इससे आपका जो रूटीन है आपकी मसल वीकनेस वो भी बेहतर रहेगी और आपके रोजे भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या हेल्थ के रिलेटेड आप नीचे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे ज्यादा चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।